हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहता है। इसमें कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो प्रोसेस अलग रहता है, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो प्रोसेस अलग रहता है। पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, बने रहिए हमारे साथ में। हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वैसे जानते हैं कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि 2003 में ओपन हुई थी। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 20 साल से ज्यादा इसको ओपन हुए हो गए हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पूरी तरीके से वैलिड है। अब अगर आपको इसके कैंपस में एडमिशन लेना है, इन कैंपस एडमिशन अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बहुत ही लिमिटेड कोर्स मिलते हैं। मैक्सिमम जो इंटीग्रेटेड टाइप के कोर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे BA BEd, BA प्लस MA, BBA प्लस MBA, BA LLB। अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो मैक्सिमम वो कैंपस के अंदर रहता है। अगर आप कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस बेस पर रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल UG कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि CDLU के अंडर कोई कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेते हैं और आप नॉर्मल UG कोर्स में लेते हैं, जैसे BA, BCom, BBA, BCA, BSc, तो ये जितने भी एडमिशन होते हैं वो आपके मेरिट बेस पर रहते हैं, एंट्रेंस बेस पर नहीं रहते। तो कैंपस का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है और कॉलेज का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं UG एडमिशन के लिए, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल UG कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, आप अपना कॉलेज चूज करते हैं। कॉलेज चूज करने के बाद में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं रहता, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होता है। मेरिट बेस पर जैसे आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपकी फर्स्ट मेरिट निकाली जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरिट निकाल दी, मेरिट निकलने के बाद में आपका नाम आ गया तो आपको कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी है। इसके बाद में जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, आप अपनी फीस जमा कर देते हैं। इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो पहले फर्स्ट मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, फिर सेकेंड मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, और उसके बाद थर्ड मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तीनों मेरिट होने के बाद में अगर कुछ सीटें बच जाती हैं, कुछ वैकेंट सीटें बच जाती हैं, तो आपका एडमिशन ओपन काउंसलिंग के थ्रू भी होता है। जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम है वो ओपन काउंसलिंग के अंदर एडमिशन जरूर लें। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ओपन काउंसलिंग का क्या महत्व है। स्टूडेंट्स, ओपन काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी परसेंटेज कम है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं और जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मेरिट के अंदर नहीं हो पाया या फिर CUET में नहीं हो पाया, वो ओपन काउंसलिंग जरूर अटेंड करें। अब ओपन काउंसलिंग क्यों अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट मेरिट में, सेकंड मेरिट में या थर्ड मेरिट में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद कई बार किसी स्टूडेंट का CUET क्लियर हो गया या कोई और टेस्ट किसने लो में अप्लाई किया था, किसी का क्लैट क्लियर हो गया, तो वो अपने एडमिशन को कैंसिल करवाते हैं और लास्ट में अच्छी खासी कैंसिलेशन आ जाती है एडमिशन की, और उन एडमिशन को ओपन काउंसलिंग के थ्रू भरा जाता है। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जानकारी का अभाव रहता है और सीटें भी वैकेंट रह जाती है, तो जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम है वो ओपन काउंसलिंग में जरूर जाएं। ये है प्रोसेस एडमिशन का जो मैंने आपको आज बताया। इसके अलावा हरियाणा कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।